गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस जरूरी हैं जो हम हर पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं। ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाया है ताकि आपके पास पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस हमेशा रहें, और हम सर्जरी के बाद आपको ये वीडियो आपके फ़ोन पे भेजेंगे जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो पहले से ही हम उसको आंसर कर देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं क्योंकि गायनेकोमास्टिया के बारे में हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे इंक्वायर करते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं। मैं आज बॉम्बे में हूँ, कमला मिल्स में एक जगह मैं ट्रीटमेंट और कंसल्टेशंस करता हूँ। तो गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद इन जनरल हम लोग प्रेशर गारमेंट सबको एडवाइस करते हैं जो कि 2 दिन के बाद आपको पहनना है। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो बैंडेज हमने लगाई है उसको ऐसे कैसे रहने दीजिए। 2 दिन तक नहाने की, जब आप नहाएंगे तो चेस्ट को गीला ना करें, बाकी बॉडी पे नहा सकते हैं। 2 डेज़ के बाद आप बैंडेज को गीला करके हटा देंगे और अपनी जैकेट को पहनेंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, जैकेट 16 से 18 घंटे पहननी है, 24 घंटे नहीं पहननी है। चाहे रात को निकाल दें, चाहे थोड़ी देर सुबह निकाल दें, 6 से 8 घंटे आप निकाल सकते हैं, और ये जैकेट आपको नॉन स्टॉप 3 हफ्ते तक पहननी है। जैकेट के साथ साथ आपको कॉटन पैड्स दिए जाते हैं। अगर आपका सिवियर गायनेकोमेस्टिया है तो आप 1 वीक के बाद उन पैड को गारमेंट के अंदर फिट करके, ऐसे फिट करके उसको पहनेंगे। अगर आपका सिर्फ पफी निपल का या ग्रेड 1 का ऑपरेशन हुआ है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। थर्ड इंस्ट्रक्शन, एंटीबायोटिक। हम लोग लेवोफ्लॉक्स एंटीबायोटिक 500 मिलीग्राम वंस अ डे देते हैं, या सेफ्टम एंटीबायोटिक 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। इसके अलावा पेन किलर्स में मोबीजॉक्स या वोविरॉन की गोली सुबह शाम देते हैं 2 से 3 दिन के लिए। चौथी इंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज। 1 वीक तक, 1 वीक 7 डेज, 7 दिन तक आप ना बाइक चलाएंगे, ना गाड़ी चलाएंगे, ना ही किसी भी तरह की हैवी जिम, रनिंग, वज़न उठाना बिल्कुल मना है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ आपकी, जैसे ऑफिस जाना या फ्रेंड्स के साथ जाना, ये अलाउड है आपको। सेकेंड डे ऑनवर्ड सिर्फ 1 दिन का आपको रेस्ट जरूरी है। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, एक बार जब आप बैंडेज हटा लें तो आपको नहाने में कोई रोक नहीं है। हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो 1 महीने तक नहीं नहाए थे, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। यू आर अलाउड टू हैव अ बाथ आफ्टर 2 डेज़। सिक्स्थ, माइल्ड फीवर 1 या 2 दिन रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीने में अकड़न रहेगी, चेस्ट काफ़ी स्टिफ रहती है गायनेकोमेस्टी के बाद, 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। फाइनल शेप आते आते 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो अगर शुरू में ऐसा लगे कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, घबराइए मत। एक बार फोटो भेज दीजिए सतपाल जी के नंबर पे 9811994417 पे, अदरवाइज इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। रीअसेस करेंगे आपको 3 हफ्ते पे या 4 हफ्ते पे, और फिर एडवाइस करेंगे। उससे पहले फाइनल शेप नहीं आती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल आता है तो विकास जी को फ़ोन करें, उनके नंबर आप सबके पास हैं, या सतपाल जी को फ़ोन कर सकते हैं। कोशिश करें कि डायरेक्टली मुझे कॉल ना करें या मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो कई बार मैं ऑपरेशन में होता हूँ तो मैं आपका व्हाट्सएप नहीं देख सकता हूँ। बहुत ज़रूरी है, जब आप व्हाट्सएप भेजते हैं तो आप प्लीज़ समझिए आप उस टाइम पे खाली हैं। हो सकता है मैं खाली ना हूँ, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ या पेशेंट से मिल रहा हूँ, मैं आपका जवाब नहीं दे सकता। तो इमीजिएटली उसके बाद पिंग पे पिंग मत करिए कि हमने आपको मैसेज भेजा आपने जवाब नहीं दिया। तो अगर इंस्टेंट आपको रिप्लाई चाहिए तो बेटर है विकास जी या सतपाल जी के नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या उनको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है। 3रे दिन के बाद जब आप नहाते हैं तो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लीजिए और चेस्ट पे इस तरह की मसाज करिए, करीब 2-3 मिनट दोनों साइड मसाज करके ऐसे करिए। इससे सूजन जल्दी बैठेगी। अगर इस तरह करेंगे ऐसे करके, और एंड में 15 सेकेंड ऐसे बगल की तरफ ऐसे करेंगे, तो आपकी सूजन जल्दी बैठेगी। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल आए तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मेरे ऑफिस के नंबर्स 9811994417 है। इस पर करेंगे तो आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा।